इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक और नए मिशन की ओर बढ़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं धीरज कुमार और स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। इसरो के द्वारा पीएसएलवी C56 DSSAR सैटेलाइट को इस महीने के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मिशन के तहत DSSAR सैटेलाइट इस मिशन में सिंगापुर का प्राइमरी पेलोड होगा। इस मिशन में सिंगापुर के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी और ST इंजीनियरिंग का कोलैबोरेशन काफी अहम माना जा रहा है। DSR सैटेलाइट जो कि 360 किलोग्राम तक के वजन का है और इस पेलोड को 5 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पेलोड की मदद से सिंगापुर के कई सरकारी एजेंसियों को सैटेलाइट से लिए गए इमेजेस को भेजा जाएगा, ताकि सिंगापुर जैसे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी प्रबल बनाया जा सके। हालांकि इस DSR सैटेलाइट का हाईलाइट एडवांस सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि सैटेलाइट के द्वारा हाई रिजोल्यूशन इमेजेस और जियोस्पैटियल सर्विस को सभी मौसम में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। DSR सैटेलाइट काफी सटीक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ लैस है, जो 1 मीटर की दूरी के हाई रिजोल्यूशन इमेजेस को आसानी से कैप्चर कर लेता है। हालांकि सैटेलाइट का नजदीकी इक्वेटोरियल ऑर्बिट ट्रॉपिकल रीजन्स और इक्वेटोरियल जोन्स को मॉनिटर करने में काफी मददगार साबित होगा। जबकि ST इंजीनियरिंग, जो कि एक सिंगापुर की कंपनी है और इस DSR सैटेलाइट के पीछे इसी कंपनी की प्लानिंग है कि हाईली रिस्पॉन्सिव इमेजेस और जियोस्पैटियल सर्विसेस को कमर्शियल कस्टमर्स तक सटीक तरीके से डिलीवर किया जाए। DSR सैटेलाइट के अलावा PSLV C56 मिशन 6 और सैटेलाइट्स को कैरी कर रहा है, जो कि इसरो के बढ़ते वर्चस्व की एक झलक को भी प्रस्तुत करता है। बता दें, इसरो इस मिशन के जरिए राइड शेयरिंग अपॉर्चुनिटी के तहत मल्टीपल पेलोड को कैरी कर रहा है। बहरहाल, इसरो के द्वारा संपन्न किए जाने वाले इस मिशन के जरिए सिंगापुर और भारत दोनों को ही फायदा होने वाला है, जिसके तहत इन दोनों देशों के रिश्ते भी एक हद तक मजबूत होंगे और आने वाले समय में स्पेस सेक्टर में इन दोनों देशों के लिए कई और प्रोजेक्ट्स पर एक साथ मिलकर काम करने के अवसर भी पैदा होंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।